मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ था कि समाज के अंदर एक जो सैनिक की परिभाषा उसको बदलना है, दिव्यांगता की परिभाषा को बदलना है, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बंदे रोने लग जाते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो इस चीज़ को निदादर करना है। मतलब पास में जब हम गाड़ी पर चलाते हैं तो कितने स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, गाड़ी धीरे जरूर होती मगर रुकती नहीं है, तो उसी तरह भले ही हमारी ये गाड़ी टायर पंचर हो गई है मगर सड़ा गंतव्य तक जरूर पहुंचेगी, और अकेले नहीं पहुंचेंगे इस राष्ट्र के अंदर, जब इस संसार को छोड़ेंगे तब कुछ न कुछ ऐसी मिसाल देके जाएंगे कि हाँ वाक्य में ही कोई एक सैनिक थे। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है, मैं हूं सुकुमार तिवारी। एसएन सुजला ने आज तक के अनेक कार्यक्रम शहीदों के बनाए हैं, शहीद की मूर्ति के अनावरण बनाए हैं। आज मेरा सौभाग्य है जिस व्यक्ति से मेरी मिलने की कामना लंबे समय से थी उस व्यक्तित्व के साथ आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। पूरे भारत के सैनिकों के लिए जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो दीपचंद जी हमारे साथ हैं। अपने पैर अपने हाथ गंवा देने वाले, लेकिन जज्बा देखिए आज भी कहीं भी शहीद का कार्यक्रम होता है आप पहुंच जाते हैं। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम को देखें जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपके चरणों में नमन मेरा। मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन से ये क्या कामना थी कि देश की सेवा करनी है, सेना में जाना है, किस तरह का जज्बा शुरुआत से था? बचपन से ही एक सेंटेंस पढ़ते थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। जी, अभी हम लोग जैसे देहात में रहते हैं, मैं भी गांव खेड़े खाई रहने वाला हूं, तो दीपावली पर हम लोग सब साफ सफाई करते हैं जी। तो उस टाइम पहले कैलेंडर आते थे जितने भी महापुरुषों के फोटो रहते थे, तो जब भी वो नए कैलेंडर आते थे पुरानी फोटो को निकाल दिया जाता था, मगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फोटो थी उसको समेट के रखता था मतलब जी। और वो वर्दी देखता था मैं हमेशा, और मन में विचार आता था कि मैं भी वर्दी पहनूंगा जी। तो बचपन से ही मैंने मेरे दादाजी को, जब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरे दादा को बोला मैंने भी वर्दी पहननी है, तो दादाजी ने बोला कि हाँ हाँ तुम ही फौजी बनना, क्योंकि उनको लगता था फौजी बच्चा है ठीक है बोलता रहेगा। मगर जैसे फिर मैं बड़ा होता रहा, भावनाएं बढ़ती रही, तो मुझे 71 वार के बारे में, 65 जो देश आज़ादी के बारे में खेती में जाते थे वो बातें होती रहती थी, और मन में विचार आया, और मैंने पढ़ते पढ़ते जब मैंने 11th कर ली थी तो अपनी मर्जी से अम्बाड़ा से 15 पैसे का एक फार्म आता था, वो फोटो करवाया और उस पर लिखा था कि अपना उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती होइए, और अम्बाड़ा छावनी को भेज दिया जी। भेजने के बाद मैं इंटरव्यू वगैरह दिया और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया, फिट फॉर हो गई। कौन सी सन की बात? 93-94 के अंदर। तो उस टाइम भर्ती होकर के बीआरओ से, और उस टाइम तो मीडिया वगैरह भी इतना चलता नहीं था ना फ़ोन होते थे, तो भारतीय तोपखाने के अंदर मुझे बुलाया गया तोपची के रूप में महाराष्ट्र के अंदर जी। तो मैं महाराष्ट्र के अंदर नासिक में पहुंचा, वहीं पर मैंने ट्रेनिंग पूरी किया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में, वहां पर जाने के बाद में ऐसे था कि क्योंकि हमारे लिए तो कि विदेश टाइप था, पहले इतना जागरूकता थी नहीं जी। तो गाँव में बोले कहां जा रहे हो, बोले महाराष्ट्र, तो इतना ताकत देके बोले थे महाराष्ट्र, जैसे मतलब भाई विदेश में जा रहा हो, तो कई बार डर भी लगता था ज़रा। तो घर वालों ने भर्ती हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी वगैरह नहीं चाहते थे कि मैं भारतीय सेना में जाऊँ, क्योंकि अभी 2000 के बाद में जो कारगिल युद्ध के बाद में जो हमारे पार्थिव शरीर है वो आने लगे हैं, वरना डेड बॉडी वगैरह जो हाँ तो आते नहीं थे मतलब। तो घर वाले बोलते थे कि नहीं भैया फौज में जाओगे अगर तुम मरपुर की भी गए, वो तो सीधा ऐसे ही बोलते थे ना, कोई शहीद शहीद का मतलब नहीं था, बोला तुम मर जाओगे तो डेड बॉडी भी तुम्हारी देखने को दर्शन नहीं मिलेगा, अंतिम दर्शन हम नहीं जाने देंगे। मगर मेरे मन में दृढ़ संकल्प था, और मेरे दादा दादी ने मेरा बहुत हेल्प किया, भले आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हृदय के अंदर आज वो हैं, और उनके आशीर्वाद से मैंने ये वर्दी पहनी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे आइकॉन हैं, आज भी मैं उन्हीं को फॉलो करके मानता हूँ। उसके बाद में वहीं से शुरुआत हो गई, एक तोपची के रूप में ट्रेनिंग किया, काफ़ी जगह पोस्टेड गई, पहला ऑपरेशन लड़ने का मौका मिला, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, पहली बार हमको श्रीनगर देखने का मिला, बर्फ़ मौका था, बर्फ़ देखने का पहली बार मौका मिला, बड़ा उत्साह था कि चलो भाई हम लोग कश्मीर घूमने जा रहे हैं। कश्मीर की कली पिक्चर देखी थी हमने शशि कपूर की, लेकिन हमारे उस्ताद बोले भैया हमारा रोल अलग है, जो हमारे सौरव को दहशतगर्द सर्वनाश कर रहे हैं हमने उनको मिटाना है, आप लोग वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं मतलब। तो हमने अपना ड्यूटी निभाई कि हम तो फौजी आदमी है भाई, ये बात सही बोल रहे हैं, नए नए थे, युवा जोश था। फिर हमको वहाँ पर रहने के बाद 2 महीने तक जो यूनिट थी हमको सिखाया गया, वहाँ पर गांव गांव में जाते थे, एक गाँव घर इधर एक घर उधर, ऊपर ऊपर नीचे घर रहते हैं, हाँ परिस्थितियों में ढालने के लिए वहाँ 2 महीने रहे। 2 महीने बाद फिर वो यूनिट चली गई, फिर हम लोगों ने गाँव को कैप्चर ले लिया। दिन भर हम लोग जो आप लोग घूमने जाते हैं रोडों के ऊपर जो सैनिक खड़े रहते हैं इसको आरोपी बोलते हैं, वो ड्यूटी करते थे। रात को हम गाँव गाँव जाकर के आतंकवादी को ढूंढते थे, कहीं इस घर में कभी इस घर में, तो बड़ा संघर्ष रहता था वहाँ पर एक, क्योंकि अलग चीज़ है, अलग वातावरण है, ठंड है, दिन है, सब कुछ है, बुलेट प्रूफ जैकेट रहती थी, इतना वेट रहता था, 48 kg वेट लेके चलना, खुद का वेट, और रात भर नदी नालों में बड़ा जीवन था। मगर एक संकल्प था कि भाई हमने दहशतगर्दी को मिटाना है। ये काम सिलसिला चल ही रहा था तो मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला,
और कोर्स इतना अच्छा रहा, दो महीने सिखाया और रेजिमेंट में आया तो सी ओ साहब ने वेल्डन बोला कि बहुत अच्छा बात है, और अपने हमारे एक जो यूनिट का खुफिया विभाग रहता है उसके अंदर मुझे सक्रिय कर दिया गया। मैं पूरी कश्मीरी वेशभूषा में रहता था और कश्मीरी कपड़े पहनता था। तो 8 महीने तक मैंने अजय जो आज के बोल रहे हैं खुफिया विभाग में काम किया, और 8 महीने काम करने के बाद में हमारे साथ में थे मेरे सीनियर अशोक पाटिल सर थे और बाकी प्रोडक्शन हमारे पीछे रहती थी, उससे हमको एक फ़ायदा मिला कि 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में हमें अहम रोल अदा किया। एक किस्सा सुनाता हूँ, हम लोग कई बार क्या था कि जब भी जाते थे गाँव में हमारे जाने से पहले आतंकवादी भाग जाते थे। कई बार ऐसे हुआ तो ऊपर से प्रेशर आता था ब्रिगेड से कि भाई क्यों नहीं मिल रहे, कभी इधर चुटपुट होगी इधर चुटपुट होगी, तो सीओ साहब हमारे ऊपर प्रेशर देते थे क्या हो रहा है भाई, तुम लोग सोर्स निकालो ये करो। तो एक दिन क्या हुआ, हम जब भी जाते सोर्स तो पूरा था कि हाँ आतंकवादी, में गाँव में जाने से पहले भाग जाते थे, मगर एक दिन क्या हुआ कि हमने प्लानिंग बनाया, जैसे आप आजकल पिक्चरों में देखते हो, हमने पता चला वहाँ पर है, रेके किया सोर्स से कि हाँ, हमने बोला साहब बिल्कुल आतंकवादी हैं, तो बोला ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ की सिविल बसों को रोका दिन के अंदर ही, 11-12 बजे सवारी उतारी, ड्राइवर वही जम्मू कश्मीर का ही, और उन सीटों के ऊपर हम लोग सब फौजी आदमी लेट गए अपना हथियार ले लेकर के, और 4-5 बसें कोई इधर से उस गांव को घेर लिया। तो उन लोगों को लगा पता कि भाई तो बस आ रही है, सरकारी बस है, सवारी लेके आई होगी, मगर जैसे हम लोगों ने कैप्चर किया पूरे गांव को इधर से उधर से कैप्चर कर लिया, और हम ढूंढते रहे, पूरा ढूंढते लास्ट में नहीं मिला, एक घर रह गया, उसके अंदर वो मास्टर जी था, खुद बेटा उसका पुलिस में था, दरगाँव मोहल्ला हुड़चक में एक जगह है। तो हमने सोचा कि ये तो मास्टर जी तो हमारे कैम में आता रहता है, तो वो बहुत जोर जोर से बोलने लगे साहब इधर कुछ नहीं। हमने बोला भाई इतना चिल्ला क्यों रहा है, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम लोग सब नीचे थे, तो 2-3 आदमी ऊपर गए, नीचे देखा एक्चुअली में कुछ नहीं मिला, मगर जब ऊपर वो बंदे गए 3 आदमी, एक जेसीओ, एक जवान, एक ऑफिसर, तो ऊपर जैसे सेकंड बिल्डिंग पर चढ़े देखा तो ऐसे ही फर्श था लकड़ी का और खाली है, साइड में गद्दे पड़े हुए हैं। तो अभी फिर उन्होंने बोला सर अभी कुछ नहीं है, साला इतनी मेहनत फिर बेकार गई। सीओ साहब फिर गुस्सा हो गया, बोला कुछ मामला सर पक्का इन्फॉर्मेशन है, जरूर है आतंकवादी तो, मगर उसने जैसे ऑफिसर ने बोला चलो कुछ नहीं है निकलते हैं, और जैसे निकलने लगे वहाँ पर एक हमारा जवान गया सुरेंद्र, उसने बोला सर गद्दे के नीचे देख लेते हैं, अरे गद्दों के नीचे क्या आएगा, रेक के ऊपर गद्दा रखा हुआ है, बोला चलो कुछ नहीं है। और जैसे निकलने लगे सुरेंद्र से रहा नहीं गया, नया लड़का है, उसने जैसे भागा उसने गद्दे के ऊपर जैसे हाथ मारा आतंकवादी के ऊपर सिर के ऊपर हाथ लगा और उसने अंदर से गोली खोल दिया और सीधी गोली ऑफिसर को बाजू में पार करती हुई, तो डिक्लेयर हो गया भाई आतंकवादी है। इन लोगों ने दोनों से ही, हमारे लिए तो एक ऐसा था कि बहुत खुशी की बात होती थी, चलो इतने दिनों में एक तपस्या हमारी पूरी हुई, ऑफिसर ने जैसे उन्हें ऊपर से जंप किया और फटाफट हेलीकॉप्टर मंगाया, ऑफिसर को भेज दिया, फिर हमारी लड़ाई शुरू होगी वहाँ पर। तो पूरी रात ये काफ़ी कहानियाँ थी, मगर ये लास्ट की कहानी सुना रहा हूँ, कारगिल लड़ाई से पहले, कारगिल से पहले की बात है। तो फिर पूरी रात ऑपरेशन चला, 3 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारा एक अवतार सिंह सर शहीद हो गए। फिर ये सिलसिला जारी था, हमको उधर भी चुटपुट हो गई, हमने सोचा भाई वहाँ पर भी आतंकवादी आ गए, तो नीचे से जो सेना आने वाली थी वो लेट हो रही थी, तो हमको मौका मिल गया मूव टू कारगिल। तो वो हमारे लिए बड़ा सुनहरा पल था, और सुनहरा पल इसलिए था कि हर आदमी को मौका नहीं मिलता मूव टू कारगिल, क्योंकि देश के लिए जो चीज़ हम वर्दी पहनते उसके लिए युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिलता। तो हम कारगिल में पहुँच गए, हमको 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर 24 घंटों के अंदर ही हमने रातों रात तलोलिंग के ऊपर अपनी तोपों को लगा दिया। वहाँ पर जैसे ही हमने तोपों को लगाया, उस टाइम तक आपने कालिया साहब का नाम सुना है, सौरभ कालिया का, उनकी डेड बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे क्योंकि 8 तारीख का स्पॉटिंग नहीं था। हमारे लिए नया एरिया था, ठंडी एरिया है बिल्कुल, ना को बंकर है, कुछ भी नहीं है। आज तो आपको मीडिया के माध्यम से सब कुछ पता चल गया होगा, मगर उस टाइम कुछ भी नहीं था, सरेआम खुले मैदान के अंदर नॉर्मल यही ड्रेस पहन रखी है, मगर एक जोश था हमारे अंदर। तो सभी तोहफे फायर कर रही थी, टारगेट पकौड़ा हिट नहीं हो रहा था। हमारी बटालियन को 1889, उस टाइम हमारी लाइट रेजिमेंट थी, अभी मिसाइल हो गई है, 1889 लाइट रेजिमेंट को जब मौका मिला तो 1 राउंड गन फायर, तो हमारी 12 के 12 तोहफों ने जैसे फायर किया 4 हिटों के ऊपर, मैं था पहला ही गोला तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया, मतलब। तो मेरे लिए और मेरी बटालियन के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है तलोलिंग के ऊपर लड़ी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी हमारी, बड़े हताश होते थे, इन्फेंट्री को भी काफ़ी हमारे जवान शहीद हो रहे थे, हर रोज़ हमारे काफ़ी साथ में हमारे जवान शहीद होते थे, हमें को भी लगता था कि हम भी चले जाएंगे, मतलब। तो युद्ध तो 2 महीने तक लड़ा था। परिस्थितियां क्या थी, कहा जाता है कि आप मैदान में रहते थे, ऊपर से पाकिस्तानी सैनिक पाड़ोसी नहीं, नहीं बिल्कुल था। ऊपर क्या था कि देखो हमारी पोस्टों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, हम जैसे चढ़ते थे तो कई बार तो एक पत्थर भी लुढ़का दिया तो गोली से भी ज़्यादा पार करता था, क्योंकि इतने ऊपर से एक पत्थर भी आ रहा है तो एक जवान को लगा तो पीछे वाले जवान सारे नाले के अंदर जाते थे। बड़ी स्टार्टिंग में परिस्थितियाँ बड़ी बल्कि कष्टदायी थी, हमारे समझ से बाहर थी, क्योंकि एक तो एरिया नया था, हमको पता नहीं है, हम तो नीचे से आए थे और जो बताने वाले बंदे थे वो भी यहाँ पर थे लद्दाख स्कोड के, तो वो आगे आगे चलते थे। मगर फिर भी कुछ दिन बाद जब स्टार्टिंग में झटका खाने बाद कुछ दिन हमको टैक्टिक्स मिला, फिर हमने रात को ही युद्ध लड़ा वहाँ पर, जितना भी युद्ध लड़ा हमने रात को युद्ध लड़ा, दिन भर हम लोग कहीं पर भी छुप के रहते थे, बंकर मुंकर कुछ भी नहीं था,
दिन भर छुपका मतलब ये नहीं कि बैठे रहो, हम लोग तैयारी करते थे रात की लड़ाई की। कभी रात को 10 बजे लड़ाई शुरू होती थी, 3 बजे चलती थी, कभी 12 बजे, मतलब पूरी रात लड़ाई चलती थी। सबसे ज़्यादा तोलोलिंग लड़ी, फिर हमने 41, 487, 551, 500 विक्रम बत्रा पोस्ट, ऐसे करते करते हमने 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया। और 8 जगह गन पोजिशन को चेंज का मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग खच्चर नहीं मिलते थे वहाँ पर, तोप को कंधों पर ही उठाना है, पहाड़ी के ऊपर 13,000 कभी 12,000 कभी 16,000 की हाइट के ऊपर तोपों को लेके जाना है। हाँ जी, उसके बाद अमनीशन लेके जाना है। आज तो जनता बोलती रहती है सैनिक क्या करते हैं, हमसे पूछना सैनिक क्या करते थे उधर, मगर देश को समर्पित थे हम लोग। सर कितना आपने कितने दिन लड़ाई लड़ा? हमने पूरा घायल तो मैं ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल मैं बाद में, पूरा कारगिल मैंने लड़ाई लड़ा, पूरा लड़ाई में साथ में था मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम थे, काफ़ी कहानियाँ थी लेकिन मैं आपको एक मोटी कहानी सुनाता हूँ। हम लोग देखते थे कि नई शताब्दी कौन देखेगा, तो दोनों दोस्ती थी तकड़ी, ऐसे जीते जीते हम जब टाइगर हिल के ऊपर आ गए, हमने क्या किया दिन में चढ़ाई शुरू कर दिया। तो चलते गए, इधर दोनों साइड में एक नाला है और चढ़ते चढ़ते जस्ट टाइगर हिल के ऊपर 16,000 हाइट के नीचे हम लोग पहुँच गए और आगे झरना था बंद हो गया। बंद होने के बाद में दिन में फायरिंग करते नहीं थे, मगर हमने सोचा हाथी निकल गया, पूछ पूछ बाकी है, टाइगर हिल रहेगी, बाकी तो हमने जीत ही लिया है, तो दिन में ही देख लेते हैं। तो दिन में ही 12 बजे क्या किया, 1 राउंड गन फायर, रात को परेशानी नहीं होगी। जैसे एक राउंड दुश्मन के ऊपर दागा हमने, अभी दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आ गए और ऑर्डर आ चुका था कि जहाँ जिसको दिल करता छुप जाओ, अभी कहाँ छुपे को, बंकर तो था नहीं। उसके बाद हम लोग छोटा सा गड्ढा हमारे जहाँ पंडित कुमोदी सिंह साहब थे, मैं मेरा दोस्त मुकेश कुमार हर बार की तरह वहीं जंग में रुक के डटे हुए थे, तो मैंने उनको बोला चलो चलते हैं। तो उसने बोला यार जाएंगे तो दुश्मन अपनी तोहफों को ख़राब कर देगा, तो जंग कैसे लड़ेंगे। तो मैंने बोला फिर भी सब चलेंगे, जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती वो चलेंगे, हम दोनों आदमी क्या करेंगे। बोला आखिर तक लड़ेंगे, मैं फिर बोला, मैंने बोला लड़ेंगे, बोला हाँ। तो मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर मैंने बोला चलो चलते, बोला आपको डर लग रहा तो आप जाओ, मैंने बोला नहीं, मरना जीना साथ में कसम खाई हुई है, क्योंकि हम दोनों ने कसम खाई थी कि नई शताब्दी कौन देखेगा और दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा तो काफ़ी साथी हमारे चले गए थे, तो ये दोनों बच गए थे। हम लोग तो दोनों सोच रहे थे कि भाई दोनों में शहीद हो जाएगा तो एक दूसरे के घर पर जाके आएगा, मगर कुछ सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं। हमारी K-47 तोप पर रखी थी, हमारे बीच में एक पत्थर था, वो उधर K-47 लेके लेने के लिए भागा, मैं इधर भागा हूँ, और हमने जहाँ पर हमारे पंडित कुमोदी सिंह साहब बैठे थे वहाँ पर अपने भी मुंडी डाल दिया। और हमारे गुरुजी बोले माता रानी का नाम जपो, ये जपो, अभी 16,000 हाइट है, एक के ऊपर एक बंदा पड़ा हुआ है। अभी हमने बोला गुरुजी अभी तो कुछ भी जपो, जो होना हो तो होना ही है। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। फायरिंग बंद होने बाद में अब मानोगे नहीं, एक छोटे से गड्ढे के अंदर हम 90 आदमी थे। अब देखो 16,000 हाइट है, 90 आदमी कैसे उसके अंदर आए, ऑक्सीजन की कमी है और किसी का भी दम घुटने से नहीं मरा। उसके बाद में मेरे को बोला दूसरा कहाँ है, तुम लोगों को देखते हैं, बोला हर बार ऐसे करते हो, क्योंकि गलत था ना भाई युद्ध के मैदान में। तो मैंने बोला सर वो इधर भागा इधर भागा, बोला चलो चलते हैं आने दो उसको भी। बोले तो हम चलने लगे, पापा बैटरी इधर, क्यों भी बैटरी, चलते चलते ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। तो हमने बोला सर ये क्या है, हमारे सामने खेमराज राणा सीनियर थे, उसने बोला इतना फायरिंग हुआ कोई ये आ गया होगा, अपना पक्षी आ गया होगा। बस थोड़ा तले धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, इतना मोटा मांस का टुकड़ा और पड़ा हुआ। हमने बोला सर ये भी, बोला यार कोई गिद्ध आ गया होगा, मगर जैसे वो आगे बढ़ा उसने बोला मुकेश, और वो ऐसे कानों को हाथ लगा के बैठ गया। मतलब देखा तो मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ रही थी, ब्लड चल रहा है, नब्ज चल रही है, धड़कन चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। मतलब तो ये देख करके सब आदमी हैरान हो गए। मेरा तो जिगरी दोस्त था, मैंने फटाफट जो नॉर्मल अपना कोटी पहनी हुई थी वो कोटी उसको लगाई और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। मतलब वो मेरे लिए बहुत कष्टदायी था, काश मैंने उस टाइम सोचा काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, मतलब क्योंकि दोनों को मरने जीने की कसम खाई थी। मगर आज भी उनकी यादें आती हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे एक दोस्त को हमने खो दिया जिसको हम दोबारा नहीं बुला सकते हैं, मतलब यादों में ही रख सकते हैं। सर आपके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ मैं आपको बताता हूँ, वादे के मुताबिक मेरे को वापस उनका पार्थिव शरीर को लेकर के गाँव में जाना था, मगर नहीं ले जा सके, तो मुझे जहाँ पार्थिव शरीर रखा था वहाँ पर ले जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने लेकर के पार्थिव शरीर को लेकर के पहुँचा, सब शाम को निकला था, रात को 2 बजे के आसपास पहुँचे, अंतिम प्रणाम किया, जो निशान चेक करने थे किया, अगरबत्ती लगाई और पाँव को हाथ लगा कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस टाइगर हिल के ऊपर आए और उस दिन लड़ाई नहीं लड़ा, तैयारी किया, आखिरी अगले 2 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लड़ा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। तो आज जनता हम मनाते हैं 26 जुलाई 15 अगस्त या 26 जनवरी, एक दिन के लिए खाली सैनिकों को भूलते हैं, मगर सैनिक ऐसी कुर्बानियां लेकर के हमेशा जीते रहते हैं, जैसे मैंने मेरे दोस्त की शहादत को अपने बिल्कुल हाथों से देखा हुआ है। और इस
के लिए हमारी बटालियन को बहुत अच्छा नाम मिला, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, 10,000 राउंड फायर किए, आज मेरी बटालियन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। उसके बाद में ऑपरेशन पराक्रम हो गया जो पार्लियामेंट में ठैक हो गया जी। तो उसके बाद में हम लोगों को दोबारा राजस्थान बॉर्डर पर लगा दिया गया। हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था कि चलो भाई एक युद्ध लड़ दिया हमने, दूसरा मौका भी है, तो ये तीसरा पराक्रम था मेरे लिए कारगिल के बाद में। मगर एक साल तक वहाँ रहे, रूस और अमेरिका के कारण युद्ध भूमि गए, लड़ने का मौका नहीं मिला। रियर में ऑर्डर आ चुके थे, जो रियर क्वालिफिकेशन जैसे ऐसे बैठे थे, ऐसे हमारा स्टोर था सिकंदराबाद के अंदर, अनलोडिंग कर रहे थे, अनलोडिंग करते बक्सा छूटा और बक्सा छूटते ही ये ब्लास्ट होने से ये हाथ उठा, पहले हाथ उठते ही पेट पाट में पूरे स्प्लेंडर लगे, इधर आँखों में लगे, लीवर लावर में, दो बार उठने की कोशिश किया मगर उठा नहीं गया। हवलदार जी सामने बरंडे में गिर गए, उसको पेट में लगी, टांग में लगी, सबसे ज़्यादा मुझे लगी, तीसरे बंदे कुछ नहीं लगी। उसको हॉस्पिटल में लेके गए, मुझे बोले भाई दीपचंद भी अंदर हैं, साथी बचाने के लिए आ रहे थे, कानों में आवाज़ आई कि एक बम और फट जाएगा, भाग गए। मगर जो अपने इसी मातृभूमि का जेत सिंह भाटी जो बाड़मेर के रहने वाले हैं, जब उसको पता चला कि दीपचंद अंदर है तो दोस्ती तकड़ी थी, अंदर उसने जंप किया, फटाफट आग को बुझाया, बक्सा खींचा तो पीछे में बैठा मिला, दोस्तों ने मुझे उठाया, पूरी हड्डियाँ चकनाचूर हो गई थी, आंतड़ी वगैरह बाहर थी, तो सब रोने लग गए। मैंने बोला यार रो मत, क्योंकि देखी जाके उनको लग रहा था कि अंतिम क्षण है, बस इस बंदे का इतना कुछ फट गया सब कुछ, तो अभी बचने के चांस ही नहीं थे। फिर भी मैं बोला था आप रो मत यार कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बेचारे बोले थे सर आप चुप रहो, आप टेंशन मत लो, बहुत ख़राब क्या थी, मैं बता रहा हूँ पूरा पेट फटा हुआ था, जिस बंदे की बोला आंतड़ी बाहर है तो क्या करें। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल जाने बाद जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचा तब तक मुझे होश था, डॉक्टर ने पूछा क्या हाल चाल ये था वो था, नाम ना बता कि मैं बेहोश ना हूँ, उसके बाद मुझे पता नहीं। डॉक्टर से पूछा गया, मेरे सीओ को पता चला, सीओ मेरा चप्पल में पहुँच गया, तो बोले क्या है, बोला सर ही इज द डेथ। सीओ ने बोला कुछ तो हो जाएगा, देखो तो चेक तो करो मतलब, तो उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया, सर थोड़ा बहुत सांसें चल रही है, 5% चांसेज है बच जाए शायद, तो क्या करना पड़ेगा, बोला काट कूट दे, तो बोला सीओ ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि वहीं तो हमारे तो माँ बाप सीओ अफसर ही रहते हैं, उन्होंने फटाफट साइन किया और मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। बोला आप अपनी तरफ से कार्रवाई करो, हम अपनी तरफ से करते हैं। तो सीओ ने भी रिस्क लिया और डॉक्टर ने भी रिस्क लिया, पूरी रात ऑपरेशन शुरू हो गया। तो 17 बोटल मुझे खून की चढ़ा था और यहाँ रेजिमेंट के अंदर सब कुछ खाना पीना बंद और पूजा पाठ शुरू हो गई थी। पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बोटल मुझे खून का चढ़ा, 5% बचने के चांस थे। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बाद में सवेरे की 72 घंटे बाद इसको पता चलेगा होश आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद बताएंगे क्रिटिकल कंडीशन क्या है। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आँखें खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे बंदे बताते हैं कि हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ को फ़ोन किया कि जवान को होश आ गया है, और सीओ साहब के मुँह से निकला अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर साहब बोले सर डॉक्टर मैं हूँ या आप हो, सीओ साहब बोले जो भी हैं मैंने ऐसे मुँह से निकला है, और सीओ साहब की आज बोली बोली आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ सक्षम। जिंदगी यही अंतर नहीं होती, जिंदगी की शुरुआत दोबारा होती है, क्योंकि मैं एक ठीक ठाक आदमी था, क्रॉस कंट्री करता था, 6 फुट हाइट थी, पायलट जाता था मैं, एक जीवन का अभिन्न अंग हो चुका था और एकदम ऐसे हो गया, क्योंकि जन्मजात अपाहिज होना और ऐसे होना बड़ा एक सर, जब आपको ये सब अपने आप को देखा, आपने दोनों पैर चले गए, हाथ चला गए, तो उस समय कितनी पीड़ा हुई थी, क्या मन में आया था उस समय? देखो मन में ये आया था कि पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि मेरी टांगें भी गई हैं, स्टार्टिंग में कहा था हाथ, जब मेरे को होश आया तो मैं पता था टांगें भी नहीं हैं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार आता था कि इस ज़िंदगी से अच्छा मर जाना ठीक है, मैं झूठ नहीं बोला आपको, कई बार पीड़ा आती थी, जब मैं 2-3 महीने हुआ तो बड़ी पीड़ा आती थी, कई बार ऐसे होता था कि यार, क्योंकि मात्र 27 साल की उम्र है मेरी, जो अर्धांगनी उसकी 22 साल की उम्र है, जब मैं उससे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल में आती थी तो मैं मेरे जवानों को बोलता था, साथियों को, कि भाई तकिया लगा देना, मेरी वाइफ को ये ना पता चले मेरी टांगें भी नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने से वो फैमिली वे में थी, 3 महीने से दूसरा बच्चा होने वाला था, छोटा बच्चा 1.5 साल का है, तो जब उसकी मात्र 22 साल उम्र, मेरे 27 साल उम्र, मैं सोचता था यार इसने मेरे साथ क्या सोच के शादी किया था, कि भाई ये कैसे गुजारा करेगी, क्या होगा, मेरी बड़ी पीड़ा होती थी, तो उसके बारे में बड़ा सोचता था मैं कि जो भी हो जाए यार इसका क्या होगा, मतलब मैं तो चलो भाई जैसे भी ये पड़े पड़े रहेंगे। मगर फिर मैंने एक संकल्प किया कि यार तुमने साला जन्म ही तेरा एक अलग चीज़ के लिए हुआ है, ऐसे रोने धोने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ, अपने आप को जैसे हनुमान जी को एक चीज़ें याद दिलाई थी कि भैया तुम्हारी शक्तियाँ याद करो, तो वैसे ही मुझे मन में विचार आया कि भाई देश के लिए लड़े हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ हुआ है, तो ऊपर वाले का कुछ सिग्नल है, तेरे हाथों जरूर कुछ काम कराना है, तुम मर के बचा है तो कोई उद्देश्य है, तो तुमने हार नहीं माननी है। तो फिर मैं वही था कि रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो मैं जब बिस्तर में था मैं सोचता था कि उठना है, और उठना है सबसे पहले किसके लिए, क्योंकि हम लोग देश देश बोलते रहते, स्वयं का परिवार पहले आता है, क्योंकि देश तो हमारा वहाँ पर था जब मैं ड्यूटी पर था, अभी तो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में देश की भावना अंदर है, आज भी है, आखिरी सांस तक रहेगी, मगर मैंने बोला अगर मैं अपने परिवार के लिए खड़ा हो गया तो सब लोग देश के लिए खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे संकल्प किया था कि मेरी बीवी किसी को ये ना बोले
कि सर आपको तो पता है मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, मेरे बच्चे किसी को ये ना बोलें अंकल आपको तो पता है मेरे पापा की कंडीशन क्या है। तो मैंने ये चीज़ को बदली करना है अगर तुमने समाज में जीना है तो। तब फिर मुझे 6 महीने बाद एक डुप्लीकेट टांगे मिली और मैं 6 महीने बाद दोबारा से इस मातृभूमि को नमन किया जिस तरह से, और नमन करने बाद माथा टेका मैंने, क्योंकि इस मातृभूमि को हम भारतवर्ष में ही माँ बोलते हैं, बाकी कहीं विश्व में माँ नहीं बोलता, और ये आशीर्वाद देती है, कसम से बता रहा हूँ आपको। तो इस माँ को मैंने माथा टेका वो टांगे पहन करके और दोबारा से पांव रखा, आशीर्वाद ये मांगा कि माँ जैसे तूने बचपन में मुझे चलना सिखाया था दोबारा से मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि मैं दोबारा चल सकूँ। और इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, आज भगवान परशुराम की तरह मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। मतलब तो ये एक संकेत भी है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, ये प्रभु का एक सिग्नल रहता है हमारे लिए, अगर उस सिग्नल को हम समझने में थोड़ा देर करते हैं। आप जितना जल्दी उस सिग्नल को समझो, हम बोलते ना कि भगवान ने बोला था ना कि भगवत उसमें गीता में भी कि भाई जो भी होगा सत्य होगा, जो भी हो रहा है वो भी सही होगा। आज हम बोलते तो रहते हैं किसी को कि यार जो भी हुआ अच्छा हुआ, नहीं अच्छा ही होता है लेकिन हमको बाद में पता चलता है। तो मेरे लिए भी, मेरे लिए आज मैं पता चलता हूँ कि मेरा उदय ही इस देश के लिए था। मुझे चोट नहीं लगती तो कारगिल योद्धा नायक दीपचंद नहीं होता आज, एक आम सैनिक की तरह ज़िंदगी जी करके मैं भी बिल्कुल गुमशुदा की ज़िंदगी जी करके समाज से चला जाता, मगर मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ था कि समाज के अंदर एक जो सैनिक की परिभाषा उसको बदलना है, दिव्यांगता की परिभाषा को बदलना है। जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बंदे रोने लग जाते हैं, मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया, तो इस चीज़ को निरादर करना है मतलब, और जीना है तो इस राष्ट्र के लिए जीना है मतलब। तो आज भी मेरा हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित रहता है, तो कभी भी हार नहीं माननी है जीवन से, क्योंकि आपके अंदर जीवन में थ्रोट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, मगर कभी भी देखो आप अपने पास में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कितने स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, गाड़ी धीरे जरूर होती है मगर रुकती नहीं है। तो उसी तरह भले ही हमारी ये गाड़ी टायर पंचर हो गई है मगर सड़ा गंतव्य तक जरूर पहुंचेगी, और अकेले नहीं पहुंचेंगे इस राष्ट्र के अंदर, जब इस संसार को छोड़ेंगे तब कुछ न कुछ ऐसी मिसाल देके जाएंगे कि हाँ वाक्य में ही कोई एक सैनिक थे, क्योंकि हमने ना तो शिवाजी को देखा ना ही हमने महाराणा प्रताप को देखा, मगर दुनिया हमारे जैसे जब सैनिकों को देखेगी, आज याद भले ही ना करे संसार, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में मूर्ति पूजन को बहुत विश्वास करते हैं, जब तक साला मरेगा नहीं तब तक उसको महान नहीं बोलेंगे ये हमको ही पता है। लेकिन मैं फिर भी सभी दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ, भाई किसी से भी मिलना है तो उसके जब तक वो जिंदा तब तक मिल लो, उसको शाबाशी देनी तो जिंदा तब तक मिल लो, मरने के बाद कोई मतलब नहीं होता, गाली देनी है तो जब तक जिंदा तब तक दे लो। कोई भी बोलो आप, अगर आपको किसी को कुछ भी करना है प्रशंसा करनी है जब तक जिंदा, क्योंकि हम सुनने वाले नहीं है बाद में, तो कौन सुनने वाला मेरे को बताइए। तो इसलिए आप भी इस समाज को बदली कर सकते हो, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको सामने आकर के प्रशंसा कीजिए, बुरे काम करें उनको समझाइए भाई साहब ये गलत हो रहा है, कोई बात नहीं होती। मगर आज जो समाज जिस दौर में चल रहा है, आज हमारे अंदर है ना, आप देखिए निवस्त्र आता है निवस्त्र चले जाते हैं, ये वर्दी पहन रखी ना, ये वर्दी एक सैनिक की नहीं, किसी जातिवाद ने नहीं पहन रखी। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए, आज हमारे देश के अंदर इतना हो चुका है, यहाँ पर भी देखा मैंने अभी भी बीच में कि ये जाट है गुज्जर है ब्राह्मण है एससी है बीसी है, मगर मैं क्यों मतलब मेरा नाम दीपचंद क्यों है, ये दीपचंद DEEP क्या मतलब, मेरे पिताजी का नाम कश्मीर सिंह है, महाराष्ट्र के अंदर भी मैं रहता हूँ कि आड़ नेम सड़ नेम लेके पैदा होते नहीं, एक सैनिक ही ऐसी हर आदमी ने अपनी बोली लगाई हुई है। आप बता दो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, हर डिपार्टमेंट बोलता मुझे ये चाहिएगा मुझे क्या मिलेगा, मगर सैनिक एक ऐसा है वो कभी नहीं सोचता, वो सोचता मेरे राष्ट्र को क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें हमने सोचनी है, और हमारा तो जन्म ही इस राष्ट्र के लिए हुआ, ये वर्दी इस राष्ट्र के लिए पहनी सर। और मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो बच्चा भी ये फौज में जाने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि ये मिसाल जो मैंने पैदा किया है मेरे आने वाली पीढ़ी भी और बाकी भी युवा भी एक ऐसी मिसाल पैदा करे कि भारतीय सेना के अंदर जब तक जिसने सेवा नहीं किया समझो जीवन उसका निपुण नहीं है। निपुण अगर आपने जीवन को, हर चीज़ आप कमा सकते हो साथियों, मगर ये वर्दी आप खरीद के पहन ही सकते हो, और एक वर्दी ही है जिसके ऊपर दाग नहीं है, जिस दिन इस वर्दी के ऊपर दाग लग जाएगा समझ लो देश का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कितनी भी है कितनी गंदा राजकरण हो रहा है, आज देखिए आप हर आदमी बिक्री हो जाता है, सिर्फ बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, एक सैनिक है जो बिक्री नहीं होता, जिस दिन सैनिक बिक्री हो गया देश दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। तो इसलिए जागना है तो इन राष्ट्र के भक्तों के लिए जागो, इन भारतीय सेना को नमन करिए, छोड़ दो बाकी चीज़ें। आज जनता को तैमूर का नाम याद है मगर उनको याद नहीं कि सैनिक कितनी कुर्बानियां देते हैं, आज याद नहीं कि एक गांव से छोटे से गांव से जो एक सैनिक निकलता है वो कितना जाकर के वहां पर एक पीड़ा उठाता है, मगर फिर भी वो चूँ तक नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम पूरा भारतवर्ष अपना है, और वो तभी होगा जब हम खुद इस राष्ट्र को बोलेंगे। आज भी देखते रहते हैं, मेरे को पूछते रहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कौन हो कहाँ के हो, तो इसलिए मैं वही बातें सुनाता हूँ कि है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत यहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। देखिए सर, मैंने आपसे नहीं पूछा आप कहाँ के हैं, न आपकी जात न मैंने आपका गांव पूछा, क्योंकि आप
भारत के सैनिक की एक पहचान है। और बहुत अच्छी बात कही कि दिव्यांगता की परिभाषा को मैं बदलना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय सैनिक कैसा होता है। और जज्बा देखिए, कारगिल के हीरो, कारगिल युद्ध में अहम भूमिका अदा करने वाले, एक दुर्घटना में जिन्होंने अपने दोनों पैर हाथ कमा दिए थे, लेकिन जिंदगी जीने के जज्बे को नहीं खोया। और उसी अंदाज के साथ देखिए चेहरे की मुस्कान, चेहरे की खूबसूरती देखिए, 6.5 फीट लंबा एक जवान जिसने आधे से ज़्यादा शरीर अपना गंवा दिया, लेकिन हौसला नहीं गंवाया। और जिनमें हौसला होता है वो दुनिया की किसी भी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। बस सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, सैनिकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो सैनिक देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, दीपचंद जी जैसे युवा जिन्होंने 27 वर्ष की उम्र में केवल अपने शरीर के चार अंग खो दिए थे, फिर भी जज्बे के साथ जी रहे हैं और सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज शहीद हेतराम गोदारा के मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे एसएन सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विष्णु जी पारिक सीकर के साथ। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।